आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, व्हाट इज माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। तो इससे पहले हमने माइक्रो प्रोसेसर देखा था। तो जो आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है, इट इज अ सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर मेड थ्रू अ VLSI फैब्रिकेशन। ठीक है, आपका ये सिंगल चिप, जैसे आपका माइक्रो प्रोसेसर होता था ना, वैसे ही क्या होता था, आपका माइक्रो कंट्रोलर भी होता है, सिंगल चिप होता है ये। ठीक है, देखो माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, जो आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है ना, ये आपके डिफरेंट लेंथ, वर्ड लेंथ पे अवेलेबल होता है। मान लो जैसे 4 बिट का हुआ, 8 बिट का हुआ, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट। ठीक है, तो ये सब माइक्रो प्रोसेसर अवेलेबल है मार्केट में। 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, 16 बिट का, 88 बिट का, 32 बिट का। ठीक है, तो देखो माइक्रो प्रोसेसर मेनली क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीजें आपकी होती है, मेन चीजें क्या होती है, आपका सीपीयू होता है। ठीक है, देखो मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इसमें, बेसिकली योर माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फॉलोइंग कंपोनेंट्स। फर्स्ट क्या होता है आपका, सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर क्या होता है, रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रोम होता है, ईपी रोम होता है। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है रीड ओनली मेमोरी। फिर इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, ये पोर्ट्स होते हैं आपके, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है, टाइमर और काउंटर्स होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली ये पूरा आपका माइक्रो कंट्रोलर का सर्किट डायग्राम है, इंटरनल उसमें क्या क्या चीजें होती है वो दे रखा है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, टाइमर और काउंटर होता है। ये एक एक बताऊंगी मैं सबके यूजेस क्या है। ये आपका क्या होता है, इंटरप्ट कंट्रोलर होता है। ठीक है, ये ADC क्या होता है आपका, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स होते हैं ये। ठीक है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हम इस पिन का यूज करते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, DAC कन्वर्टर, मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, बहुत सारे इसमें आपकी चीजें हैं, मतलब ये ऑक्सीलेटरी सर्किट है यहाँ पे आपका। तो ये क्या मेन इसके कॉम्पोनेंट्स है आपके इसके माइक्रो कंट्रोलर के। ठीक है, समझ गए। तो देखो जो आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है ना, ये क्या करता है, इंटरनली ये क्या सारे सिस्टम कंसिस्ट करता है। माइक्रो प्रोसेसर इंटरनली कंसिस्ट ऑफ ऑल द फ्यूचर रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटिंग सिस्टम और फंक्शन एज अ कंप्यूटर विदाउट एडिंग एनी एक्सटर्नल डिजिटल पार्ट्स ऑन इट। ठीक है, ये क्या करता है, सारे पार्ट्स अपने अंदर ही, इसके अंदर ही इनबिल्ट होता है कि जो कि आपके कंप्यूटर जितना क्या कर सके, वर्क कर सके, चीजें परफॉर्म कर सके। ये सारे फीचर्स इसके अंदर ही होते हैं, एक्सटर्नल पार्ट्स इसमें कनेक्ट करने की हमें क्या जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आपके माइक्रो कंट्रोलर में, समझ गए। और इसमें क्या होता है, ये होता है आपके चिप आईसी की तरह होती है माइक्रो कंट्रोलर। तो इसमें क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द पिन होती है ना, द मोस्ट ऑफ द पिन इन माइक्रो कंट्रोलर चिप कैन बी मेड प्रोग्रामेबल बाय यूजर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, काफी फ्लेक्सिबल होता है। तो इसमें मतलब मोस्ट ऑफ द जितनी पिन होती है ना, तो वो क्या होती है, मोस्ट ऑफ द उसमें से पिन जो होता है, आप क्या होता है, यूजर उसे यूज कर सकते हैं, यूजर अपने हिसाब से उसे प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो सिस्टम के द्वारा प्रोग्राम नहीं होती, आपके थ्रू वो प्रोग्राम होगी। मान लो कि हमें कुछ प्रोग्रामिंग करना है, एडिशन करना है, या फिर कुछ भी उस पोर्ट को हमें क्या एज ए ADC यूज करना है या DAC यूज करना है, कुछ भी करना है उस पोर्ट से, तो वो क्या होता है, वो प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उस पोर्ट को यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें यही होता है कि मोस्ट ऑफ द पिन इन माइक्रो कंट्रोलर कैन बी मेड प्रोग्रामेबल बाई यूजर। ठीक है, समझिए यहां तक। आपके जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, इट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द बुलियन फंक्शन। ठीक है, इसमें बुलियन फंक्शन भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसकी स्पीड क्या होती है, हाई होती है, परफॉर्मेंस भी इसकी हाई होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं इसकी की जो होती है इसमें। और जो इसका डिजाइन, जो ये इसका साइज होता है ना, बहुत छोटा होता है, और कॉस्ट जो होता है काफी कम होता है इसका। ठीक है, तो अब देखो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें ये क्या है, बेसिक डायग्राम है आपका माइक्रो कंट्रोलर का। ठीक है, ये मतलब बेसिक स्पेसिस डायग्राम, बेसिक ब्लॉक डायग्राम है आपके माइक्रो कंट्रोलर का। और यहां पे क्या दे रखा है, ऊपर में दो पिन्स लगे रहते हैं जहां से हम VCC और ग्राउंड सप्लाई देते हैं। ठीक है, ये समझ गए। तो ये आपका है माइक्रो कंट्रोलर। तो इसके लेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो देखो फर्स्ट जो इसका कॉम्पोनेंट है आपका क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU।
ठीक है। बेसिकली क्या है ये आपका, ये सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। ये क्या मेन पार्ट है आपका, ब्रेन है माइक्रो कंट्रोलर का, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैचिंग द इंस्ट्रक्शन एंड डिकोड इट। ये क्या करते हैं, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मान लो कि हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, मुझे कोई भी एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या फिर कुछ भी करना है, तो ये क्या करता है, पहले इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, फैच करता है और फिर इसे डिकोड करता है। डिकोड क्या करता है, मैंने जैसे बताया था, जैसे आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है वो क्या होता है, आपकी बाइनरी लैंग्वेज को समझ पाता है, 0-1 के फॉर्म में चीजें समझ पाता है, ठीक है। आप एक लाइन लिख के दे दोगे इंग्लिश में तो वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन हाँ उसी को आप अगर आप कन्वर्ट कर दोगे बाइनरी फॉर्म में तो वो क्या कर लेता है, उसे समझ जाता है, ठीक है। तो मान लो कि एडिशन के लिए कुछ अलग से कोड होती है, सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ अलग कोड होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ अलग कोड होता है, तो वो क्या होता है, पहले से आपके प्रोसेसर में वो चीजें फीड होती है कि हाँ अगर मेरे पास ए डबल डी आया इसका मतलब क्या करना है, हमें एडिशन करना है, तो वो क्या करेगा, उस एडिशन की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी, मान लो 0011101 ऐसे कुछ करके वैल्यू होगी, तो पहले ऐड को वो क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। जैसे ही वो बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है तो क्या करेगा अपना प्रोसेसर, अपना कंट्रोलर, उसे समझ जाएगा कि हाँ हमें एडिशन करना है, उसके बाद वो क्या करेगा, परफॉर्म कर देगा, ठीक है। तो आपका सीपीयू होता है, सीपीयू कनेक्ट्स एवरी पार्ट ऑफ ए माइक्रो कंट्रोलर इनटू अ सिंगल सिस्टम, ठीक है, समझ गए यहां तक। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीपीयू इज टू फैचिंग एंड डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है अपना सीपीयू का, कि ये क्या करता है, फैच करता है और उसे डिकोड करता है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन फैच बाय ये प्रोग्राम मेमोरी मस्ट बी डिकोडेड बाय सीपीयू। कौन काम करता है, जो आपका इंस्ट्रक्शन जो आपका फैच होता है प्रोग्राम मेमोरी से, उसे कौन डिकोड करता है, आपका सीपीयू डिकोड करता है, ठीक है। ये पार्ट हो गया आपका। उसके बाद क्या, आपका मेमोरी में क्या है, रैम है, रोम है, ईपी रोम, ये सब है, ठीक है। तो मेमोरी क्या होता है, फंक्शन ऑफ मेमोरी क्या होगा, फंक्शन ऑफ मेमोरी इज सेम ऑफ ए माइक्रो कंट्रोलर इज सेम एज द माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, इट इज यूज टू स्टोर द डेटा एंड द प्रोग्राम, समझ गए। तो देखो इसमें बेसिकली क्या, तो यूजली कौन कौन से होते हैं, आपके रैम होते हैं और रोम होते हैं, उसके बाद कौन सा होता है, आपका ईपी रोम होता है, ईपी रोम होता है, ठीक है। फ्लैश मेमोरीज होती है फॉर द स्टोरिंग द प्रोग्राम सोर्स कोड, ठीक है, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए इसमें आपके ये सब मेमोरीज होती है, ठीक है, समझ गए। देखो ये भी सीपीयू से आपके कनेक्टेड है, तो कहां से, आपका सीपीयू इससे फैच करता है, इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा, तो इसलिए सीपीयू से कनेक्टेड है। अब देखो क्या, ये पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है, तो ये किसके लिए यूज होता है, ये हो गया आपका मेमोरी हो गया। अब ये देखो ये किसके लिए यूज होगा, बेसिकली जब पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आर मेनली यूज टू इंटरफेस द वेरियस डिवाइसेस सच एज एलईडी प्रिंटर्स, आपके मेमोरीज हो गए, ये सब को क्या करने के लिए, एक्सटर्नली इससे कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, दिस इनपुट आउटपुट पोर्ट, पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट को हम यूज करते हैं। मान लो कि हमें एलईडी लगाना, हमने कुछ प्रोग्रामिंग की कि आपको 1 से लेके 2 तक एक मतलब टाइम टू टाइम इतने इतने मिनट्स के डिले पे, सेकेंड्स के डिले पे हमें 1, 2, 3 शो हो, ठीक है। तो उसके लिए माइक्रो कंट्रोलर में इतनी तो फैसिलिटी नहीं है कि उसमें आपको एलईडी भी शो हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक अलग से एलईडी कनेक्ट करनी पड़ती है। तो एलईडी हम कहां से कनेक्ट करेंगे, आपके ये वाले पोर्ट से, सीरियल जो पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट है, यहां से हम एलईडी को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, समझिए। यहां से ये मतलब ये आपका पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट का काम होता है, ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो देखो ये सब चीजें है ना, कि मतलब आपको बस देखना है किसका क्या क्या फंक्शन है। ये आपके सिक्स सेमेस्टर में ये आपका मतलब मेन सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, तो उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे एक एक पिन, एक एक मतलब चीजों के मतलब क्या क्या यूज है, ठीक है। तो अब क्या आ जाते हैं, टाइमर और काउंटर पे आ जाते हैं। तो टाइमर क्या है, दिस इज वन ऑफ द यूजफुल फंक्शन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। एक ये बहुत काफी यूजफुल आपका ये है फंक्शन है माइक्रो कंट्रोलर का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका क्या होता है कि एक से ज्यादा भी टाइमर और काउंटर्स हम यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्या बेसिकली आप टाइमर और काउंटर क्या करते हैं, टाइमर एंड काउंटर प्रोवाइड्स ऑल द टाइमिंग एंड काउंटिंग फंक्शन इनसाइड द माइक्रो कंट्रोलर। ये क्या करते हैं, टाइमिंग और
जो आपका टाइमिंग और काउंटिंग जो फंक्शन होता है वो आपका ये टाइमर और काउंटर जो पार्ट है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, समझ गया। तो क्या होता है, दिस इज यूजफुल, दिस इज ऑल्सो यूजफुल, दिस कैन बी यूज फॉर काउंटिंग एक्सटर्नल पल्सेस, काउंट करने के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये हो गया पार्ट, अब क्या हमारा एडीसी, एडीसी आपका क्या होता है, एडीसी क्या होता है बेसिकली, ये फुल फॉर्म क्या होता है इसका, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। तो एडीसी क्या करता है, एज नेम सजेस्ट, ये क्या करेगा आपका, एडीसी कन्वर्टर आर यूज टू कन्वर्टिंग द एनालॉग सिग्नल टू अ डिजिटल सिग्नल, ठीक है। ये आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, राइट, समझ गए यहां तक। तो ये क्या करेगा, इनपुट सिग्नल इज सॉरी, जो इनपुट आपका सिग्नल होगा इसमें, इसमें जो आप इनपुट सिग्नल दोगे वो कौन सा दोगे, एनालॉग फॉर्म दोगे, और जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, डिजिटल फॉर्म मिलेगा। तो इनपुट सिग्नल इन दिस कन्वर्टर शुड बी इन अ एनालॉग फॉर्म एंड द आउटपुट फ्रॉम दिस यूनिट इज इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है। इनपुट क्या होगा, एनालॉग होगा, और आउटपुट जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, डिजिटल मिलेगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, डिजिटल जो आउटपुट कैन बी यूज फॉर वेरियस डिजिटल एप्लीकेशंस के लिए इसमें यूज करेंगे। उसके बाद देखो जो आपका डीएसी होगा वो क्या होगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। ये क्या होगा, ये रिवर्स है इसका एडीसी का, एडीसी आपका क्या कर रहा था, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा था, और ये क्या करेगा आपका, डिजिटल टू एनालॉग मतलब डिजिटल टू एनालॉग करेगा, ठीक है। तो डीएसी परफॉर्म रिवर्सल ऑपरेशन ऑफ एडीसी कन्वर्जन, ठीक है। तो डीएसी क्या करेगा, डीएसी कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग फॉर्म, इट इज यूजुअली यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द एनालॉग डिवाइसेस लाइक अ डीसी मोटर्स, आपका वेरियस डिवाइसेस वगैरह होंगे। मान लो कि आपका हमें डीसी मतलब मोटर्स वगैरह कुछ कोई और डिवाइसेस कंट्रोल करने हो जो कि आपके एनालॉग सिग्नल पर रन करता हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उससे जो डिजिटल सिग्नल यहां से आएगा माइक्रो कंट्रोलर से, तो उसे क्या करेंगे हम, पहले एनालॉग में कन्वर्ट करके फिर हम क्या दे मतलब उस डिवाइस को दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका था डीएसी। लास्ट इसमें क्या बच गया आपका, इंटरप्ट क्या है इसमें, इंटरप्ट होता है, तो इंटरप्ट क्या होता है, इंटरप्ट कंट्रोल आर यूज फॉर प्रोवाइडिंग द इंटरप्ट मतलब क्या होता है कि डिले, अगर मान लो कि हमें कुछ डिले चाहिए तो ये बेसिकली जो इंटरप्ट है वो डिले प्रोवाइड करता है। तो क्या हो जाएगा, इंटरप्ट कंट्रोलर यूज फॉर प्रोवाइडिंग द इंटरप्ट फॉर द वर्किंग प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम में अगर हमें डिले वगैरह प्रोवाइड करना हो तो इंटरप्ट का यूज करते हैं, ठीक है, समझ गए। तो इसमें क्या होगा, इंटरप्ट में भी एक्सटर्नल भी हो सकता, एक्सटर्नल और इंटरनल भी हो सकता है, ठीक है, समझ गए। अब देखो ये हो गया हमारा, ये भी पार्ट हो गया। लास्ट क्या है आपका, ये आपका है स्पेशल फंक्शनिंग ब्लॉक। ये क्या होता है कि जो आपका माइक्रो प्रोसेस होता है उसमें स्पेशल एप्लीकेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल स्पेस सिस्टम के लिए, आपका रोबोटिक्स के लिए, ठीक है। तो दीज कंट्रोलर्स कंटेनिंग द एडिशनल पोर्ट टू परफॉर्म द स्पेशल ऑपरेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो उसके लिए हम ये क्या प्रोवाइड करते हैं, स्पेशल फंक्शनिंग जो फंक्शनिंग ब्लॉक है ये प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ स्पेशल पोर्ट्स प्रोवाइडेड होते हैं फॉर द स्पेशल फंक्शन, ठीक है। तो यही आपका है स्पेशल फंक्शनिंग ब्लॉक। तो ये आपका था माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, अब हम देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में बेसिकली डिफरेंस क्या है, राइट। हमने तो दोनों पढ़ लिया, तो डिफरेंस क्या होगा इसमें, देखो जो अपना माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर को मैं म्यू पे लिख दिया, ठीक है। इसमें जो रैम होता है एक्सटर्नली कनेक्टेड होता है, ठीक है। जो रोम होता है वो भी एक्सटर्नली कनेक्टेड होता है, आपका माइक्रो प्रोसेसर है। इनपुट आउटपुट पोर्ट होगा, ठीक है, और फिर यहां पे टाइमर होगा। ये सारे क्या होते हैं, एक्सटर्नली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, आपका एड्रेस लाइंस होती है, डेटा लाइंस होती है, ये सारे आप पढ़ोगे माइक्रो प्रोसेसर में, एड्रेस लाइन डेटा लाइन क्या होता है, ठीक है। ये आपका था माइक्रो प्रोसेसर। अब देखो माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, आपका माइक्रो कंट्रोलर कैसा होता है, ये आपका क्या है,
माइक्रो कंट्रोलर। यहां पे क्या होता है, सीपी होगा इसके अंदर ही, इसके अंदर ही इनपुट आउटपुट पोर्ट होगा, राइट। इसके अंदर ही आपका टाइमर होता है, इसके अंदर ही आपकी मेमोरी होती है, रैम, रोम, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, इसके अंदर होती है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, इसके बाहर होता है, ठीक है। तो यही मेनली डिफरेंस है। तो देखो डिफरेंस क्या है दोनों में, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में। तो जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, इट इज ओनली अ जनरल पर्पज कंप्यूटर सीपीयू है, ठीक है, जनरल पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। और आपका जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, इट इज माइक्रो कंप्यूटर इटसेल्फ, ये खुद में एक माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें क्या होता है, मेमोरी, इनपुट आउटपुट पोर्ट, टाइमर, इंटरप्ट, वो क्या होते हैं, आर नॉट अवेलेबल इन साइड द चिप, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया था, वो चिप के अंदर नहीं होते, एक्सटर्नली कनेक्टेड होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, आपके माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है कि ऑल आर इंटीग्रेटेड इन साइड द माइक्रो कंट्रोलर चिप। वो क्या होते हैं, सारे ये सब चीजें होती है वो माइक्रो कंट्रोलर चिप पे ही इनबिल्ट होती है, इंटीग्रेटेड होती है, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है, समझ गए। देखो इसमें क्या होता है, कुछ एडिशनल इसमें क्या होता है, कंपोनेंट्स यूज करने पड़ते हैं टू परफॉर्म ए ऑपरेशन, ठीक है। और जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, ये क्या होता है, कैन परफॉर्म एज अ माइक्रो कंप्यूटर विदाउट एनी एडिशनल कंपोनेंट, ठीक है। इसमें एडिशनल कंपोनेंट की जरूरत नहीं होती है, इट कैन परफॉर्म एज अ माइक्रो कंट्रोलर विदाउट यूजिंग एनी एडिशनल कंपोनेंट, ठीक है। तो आपके इसमें जरूरत पड़ती है और माइक्रो कंट्रोलर में जरूरत नहीं पड़ती है, समझ गए। ये जो आपका सिस्टम ये क्या होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या है, सिस्टम बिकम बल्की और एक्सपेंसिव, ठीक है। और ये क्या होता है, ये आपका इकोनॉमिक होता है, कॉम्पैक्ट होता है, सिंपल होता है, ठीक है। नॉट कैपेबल फॉर हैंडलिंग बुलियन फंक्शन, इसमें हम हैंडल नहीं कर सकते, इसमें हम माइक्रो कंट्रोलर में बुलियन फंक्शन को हैंडल कर सकते हैं, समझ गए। और इसमें क्या होता है, आपका माइक्रो प्रोसेसर में हाई एक्सेसिंग टाइम रिक्वायरमेंट होती है और इसमें लो एक्सेसिंग टाइम रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर में आपका क्या होता है, वेरी फ्यू पिंस आर प्रोग्रामेबल, ठीक है। इसमें बहुत कम पिंस अवेलेबल होते हैं प्रोग्रामर के लिए यूज करने के लिए। और इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पिंस आर प्रोग्रामेबल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पिंस क्या होते हैं, प्रोग्रामेबल होते हैं, समझ गए। इसमें क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर में वेरी फ्यू नंबर ऑफ बाइट्स हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं और इसमें होता है मेनी बाइट्स हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब कहाँ कहाँ यूजेस हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का। तो वाइडली यूज इन मॉडर्न पीसी और लैपटॉप वगैरह में आप माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हो, और वाइडली यूज इन स्मॉल कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर। और इसे किस में यूज करते हैं, पीसी में या फिर लैपटॉप्स वगैरह में यूज करते हैं। एग्जांपल्स क्या है इसका, आपने इंटेल देखा होगा, इंटेल है, पेंटियम है, पेंटियम सीरीज है, इंटेल कोड वगैरह है, ठीक है। ये सब किसके एग्जांपल है, माइक्रो प्रोसेसर के एग्जांपल्स है, ठीक है। और इसके कौन मतलब इसका क्या, माइक्रो कंट्रोलर का क्या एग्जाम्पल है, एटमेगा 16 वगैरह, इंटेल 8051 है, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये आपका क्या था, माइक्रो कंट्रोलर, और मतलब माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो मतलब ये नहीं कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है, मतलब दोनों के अलग अलग यूजेस हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो कि आपको कोई ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस वगैरह बनानी है, तो क्या उसमें आप इंटेल पेंटियम वगैरह तो थोड़ी यूज करोगे, माइक्रो प्रोसेसर थोड़ी यूज करोगे, ठीक है। तो क्या होता है कि मतलब जैसे ये क्या होता है, चीजें जो माइक्रो प्रोसेसर होती है उसका अलग यूज है, वो मतलब आपके लैपटॉप पीसीज वगैरह में यूज होती है। और माइक्रो कंट्रोलर क्या, हमारे ट्रैफिक लाइट कंट्रोल करनी है तो आप क्या करोगे, पेंटियम लगा दोगे उसमें, नहीं ना, इंटेल लगा दोगे, नहीं ना, ठीक है। तो दोनों के यूजेस अलग अलग है। दिस इज माइक्रो कंट्रोलर इज यूज फॉर स्मॉल कंट्रोलिंग सिस्टम, और ये किसमें यूज होता है, लैपटॉप्स और पीसीज में यूज होते हैं, ठीक है।